नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल आर्मी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कैबिनेट के सीओ शर्मा के 13 दिन के अवकाश को मंजूरी दी गई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल आर्मी चीफ प्रभुराम शर्मा ने 13 दिन का अवकाश क्यों लिया है और प्रभुराम शर्मा भारत अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए क्यों आने वाले हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा की 2 से 14 जनवरी से 13 दिन की छुट्टी को मंजूरी दे दी गई है। नेपाल सेना ने कहा कि सीओएस जनरल शर्मा इस दौरान स्वास्थ्य जाँच के लिए भारत जाएंगे, क्योंकि प्रभुराम शर्मा का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है, इसलिए वह भारत में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने आने वाले हैं। इस बीच कैबिनेट ने राष्ट्रपति को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बालकृष्ण कार्की को सीओएएस शर्मा की अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहक सीओएस की भूमिका सौंपने की भी सिफारिश की है। नेपाल आर्मी चीफ का स्वास्थ्य खराब हुआ है और वो अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाने भारत आने वाले हैं। हमारी वीडियो लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल आर्मी की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।